हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग नीट एग्ज़ाम 2025 के लिए बायोलॉजी के कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है अपना, द प्लांट ऑफ वीट आर बिलोंग टू, वीट का प्लांट फैमिली पोएसी को बिलोंग करता है। तो ये सही दे रखा है, ऑप्शन टू में हमको दे रखा है ऑर्डर पोएलस, तो वीट का जो प्लांट है ऑर्डर पोएलस को बिलोंग करता है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन तीन में हमको दे रखा है बोथ वन एंड टू, तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा। और यहाँ दे रखा है ऑप्शन फोर्थ में क्लास डाइकोटिलेडन, तो यहाँ आ जाएगा क्लास मोनोकोटिलेडन, वीट की क्लास होती है मोनोकोटिलेडन। चैप्टर लिविंग वर्ड में हमें ये टेबल बता रखी है, यहाँ पे देखो ये बता रखा है वीट के बारे में। वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम एंड फैमिली पोएसी ऑर्डर पोएलस, क्लास क्लास दे रखी थी ऑप्शन फोर में डाइकोटिलेडन, जबकि क्लास होती है वीट की मोनोकोटिलेडन। फैमिली पोएसी ऑर्डर पोएलस एंड क्लास मोनोकोटिलेडन, तो आंसर हो जाएगा अपना इसमें बोथ वन एंड टू, द प्लांट ऑफ वीट आर बिलोंग टू फैमिली पोएसी ऑर्डर पोएलस, तो आंसर इसमें हो जाएगा बोथ वन एंड टू। यहाँ पर डाइकोटिलेडन दे रखा है, ये हो जाएगा गलत, मोनोकोटिलेडन आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अब, इंटरकोस्टल मसल अकर इन, इंटरकोस्टल मसल कहाँ पर पाई जाती है, एब्डोमेन में, थाई में, रिप्स में या फिर डायफ्राम में, तो आंसर हो जाएगा इसमें रिप्स, इंटरकोस्टल मसल अकर इन रिप्स, इंटरकोस्टल मसल अकर इन रिप्स। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर स्पिटजेंटिन, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है, कौन से रीजन ऑफ द ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, स्पाइनल कॉर्ड में या राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सी रीजन ऑफ ब्रेन। ये लिखा हुआ यहाँ पर अनदर सेंटर प्रेजेंट इन कौन सी रीजन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करता है और ये पाया जाता है कौन सी रीजन ऑफ द ब्रेन में, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन कौन सी रीजन ऑफ ब्रेन। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन सिड्रस, सिड्रस एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का, और जिम्नोस्पर्म में ना तो फ्रूट देखने को मिलेगा आपको और ना ही फ्लोवर। हमसे पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग अब्सेंट इन सिड्रस, ओव्यूल यहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूसिलस भी, फ्लोवर एंड फ्रूट ये पाए जाते हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट में, तो आंसर हो जाएगा बी ओ डी, बी ओ डी आर अब्सेंट इन सिड्रस, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट एंड फ्लोवर ये नहीं देखने को मिलते, फ्लोवर एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला। ये लिखा हुआ यहाँ पर एंजियोस्पर्म फ्रूट एंड फ्लोवर, जबकि सिड्रस पाइनस साइकस के सारे एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म प्लांट के, तो यहाँ पे न्यूसिलस ओव्यूल पोलन ग्रेन ये देखने को मिलता है, ऑप्शन में हमको दे रखा था ओव्यूल एंड न्यूसिलस, ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेंगे एंड न्यूसिलस भी, फ्रूट एंड फ्लोवर ये एब्सेंट होता है इनमें जिम्नोस्पर्म में, तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला। अगला क्वेश्चन है, ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मियोसिस इज सेल रिपेयर, सेल रिपेयर फंक्शन करता है माइटोसिस, सेल रिपेयर होती है माइटोसिस के द्वारा ना कि मियोसिस के द्वारा, तो ये हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट दे रखा है, माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट, प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोटिक डिवीजन होता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही, माइटोसिस का काम होता है सेल रिपेयर करना, यहाँ पर लिख रखा था मियोसिस, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा। ये लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन में, स्टेटमेंट फर्स्ट ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर एंड स्टेटमेंट टू माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट, तो ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन में हमको यहाँ माइटोसिस की जगह लिख के दे देता मियोसिस, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना उसमें स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, रिजरपाइन इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, रिजरपाइन एक रासायनिक अवयव है और ये कौन से प्लांट से प्राप्त होता है, एट्रोपा बेलाडोना से, पाइसम सेटाइवम से, रावोलिफा वोमिटेरिया से या राइथोजाइलम कोकस है, तो आंसर हो जाएगा इसमें रावोलिफा वोमिटेरिया, रिजरपाइन इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रावोलिफिया वोमिटेरिया। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाई मेडिसिनल प्लांट रावोलिफा वोमिटेरिया
ये और एक ग्रह होता है डिफरेंट हिमालय रेंज में, माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रिजर्वाइन दैट द प्लांट प्रोड्यूस। अगला क्वेश्चन करते हैं अब, द टर्म लिंकेज वाज कॉइन बाय, टर्म लिंकेज किसने दिया था, मेंडल ने, सटन ने, बोवेरी ने या फिर टी एच मॉर्गन ने। तो टर्म लिंकेज वाज कॉइन बाय टी एच मॉर्गन, टर्म लिंकेज वाज कॉइन बाय टी एच मॉर्गन। अगला क्वेश्चन है, इफ ए फीमेल इज स्टेराइल ड्यू टू रूडिमेंट्री ओवरीज, यदि एक फीमेल स्टेराइल है रूडिमेंट्री ओवरीज के कारण तो उसमें कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम या फिर ओल। तो आंसर हो जाएगा इसमें टर्नर सिंड्रोम, यदि एक फीमेल स्टेराइल है ड्यू टू रूडिमेंट्री ओवरीज तो उसमें सिंड्रोम देखने को मिलेगा टर्नर सिंड्रोम। अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम इन फीमेल इज टर्नर सिंड्रोम, सच फीमेल स्टेराइल एज रूडिमेंट्री ओवरीज। आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डीएनए बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन बीइंग इज सेम, 50%, 60%, 99.9%, 3.4%। आंसर हो जाएगा इसमें 99.9%, 99.9% डीएनए बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन बीइंग इज सेम। ये लिखा हुआ यहाँ पर 99.9% डीएनए बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स इज सेम। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, ICBN स्टैंड फॉर, ICBN की फुल फॉर्म बतानी है हमें। ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पे दे रखा है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ये गलत हो जाएगा, इंडियन कोड ये भी गलत हो जाएगा, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम ये भी गलत हो जाएगा। ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अगर ICGN की पूछ ली जाएगी तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, चैप्टर लिविंग वर्ड में हमें दोनों फुल फॉर्म बता रखी है। अगला क्वेश्चन है, किंगडम प्रोटिस्टा से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। तो आंसर हो जाएगा इसमें डायटम, डायटम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। अगला क्वेश्चन है, क्राइसोफाइट, यूग्रिनोइड, डायनोफ्लेजिलेट, स्लाइम मोड आर इंक्लूड इन द किंगडम फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा या फिर मोनेरा। तो क्राइसोफाइट, यूग्रिनोइड, डायनोफ्लेजिलेट, स्लाइम मोड, ये सारे के सारे कौन से किंगडम आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में। आंसर हो जाएगा इसमें अपना डी। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, फाइसेलिया ये हो जाएगा पोर्चुगेज मैन ऑफ वार, पी का हो जाएगा दूसरा, पी का दूसरा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, बी में या डी में। तो ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, आंसर या तो बी होगा या फिर होगा डी, लिमुलस, तो ये हो जाएगा लिविंग फॉसिल, तो इसमें भी क्यू का तीसरा दे रखा है इसमें भी। एंसाइलोस्टोमा ये हो जाएगा हुकवॉर्म, आर का हो जाएगा फोर्थ, एंड पिंक टाडा ये हो जाएगा पालोएस्टर, एस का हो जाएगा पहला। आंसर हो जाएगा इसमें अपना डी, पिंक टाडा पालोस्टर, अगर आप लोगों की एक याद है तो एस का पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में, आंसर इसमें एस से आ जाता अगर आप लोगों को एक याद होता, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनल दैट आर इंक्लूड द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गेनल इंक्लूड होता है ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ए में भी दे रखा है तो ए गलत हो जाएगा, बी में भी दे रखा है ये भी गलत हो जाएगा, डी में भी दे रखा तो ये भी गलत हो जाएगा। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ए में भी दे रखा था, बी में भी, डी में भी, तो तीनों गलत हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, आंसर हो जाएगा इसमें सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आर ऑर्गेनल दैट आर इंक्लूड इन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर कैन क्रॉप, उस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम बताओ जिसके स्प्रे करने से शुगर कैन क्रॉप में इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो जाती है एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर कैन क्रॉप, शुगर कैन क्रॉप की यील्ड भी इंक्रीज हो जाती है। तो हमें उस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से, ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ये गलत हो जाएगा, जिब्रेलिन, तो अपना आंसर जिब्रेलिन है इसमें, इथाइलिन भी गलत हो जाएगा और एब्सिसिक एसिड भी। जिब्रेलिन एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको अगर शुगर केन की क्रॉप में स्प्रे करा जाए तो क्या करता है, वो इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कर देता है एंड यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप की यील्ड को भी इंक्रीज कर देता है। आंसर हो जाएगा इसमें बी, नीट 2020 में हमसे क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, मैचिंग वाला है, ग्लाइकोसूरिया, तो ये हो जाएगा ए का फोर्थ,
ए का फोर्थ देखो कौन सा ऑप्शन में है, इसमें ए का तीसरा दे रखा है, इसमें पहला एंड इसमें दूसरा, तो तीनों गलत हो जाएंगे, ए बी 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 सी बी। आंसर तो सिर्फ एक से जा रहा है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया एंड बी गाउट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट। तो ये हो जाएगा पहला, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट, तो गाउट हो जाएगा, एंड रीनल कैलकुलाई सी का हो जाएगा दूसरा, मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन द किडनी रीनल कैलकुलाई एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलाई। ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा दूसरा एंड डी का हो जाएगा तीसरा। आंसर इसमें आ जाएगा अपना डी। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, मेड्यूला ब्लोंगेटा, सेरेब्रम, कॉर्पस कैलोसम, या फिर हाइपोथैलेमस। आंसर हो जाएगा इसमें हाइपोथैलेमस। आंसर हो जाएगा इसमें अपना सी, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन।